असम से आया हूँ कामरूप कामाख्या नाम से, असम को पूरा देश में जाना जाते हैं। मैं माँ कामाख्या का पवित्र भूमि से, माँ कौशल्या का पवित्र भूमि में आया हूँ और सारे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ कामाख्या माँ पार्वती का स्वरूप होता है, सती का स्वरूप होता है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का स्वरूप होता है। साथ साथ में माँ काली माँ पार्वती महादेव का पत्नी भी होते हैं। आज पूरा कामाख्या माँ रो रहा है, जब माँ का खबर चला, माँ को खबर मिला कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महादेव का नाम में पैसा लूटने का काम किया। आज पूरा देश में जितना महाकाली है, हमारा माँ लोग महाकाली है, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है, कभी लोग सोच भी नहीं सकता है कि कोई महादेव का नाम में ऐप बनाएगा। अरे भाई खाना भी है, कोई दूसरा नाम में बना लेता था, जिंटू मिंटू कुछ नाम में बना लेता था, लेकिन डायरेक्टली बनाया महादेव का नाम में। और एक दो करोड़ नहीं, पूरा 508 करोड़ लूट लिया। तो मैं इतना ही बोल सकता हूं कि महादेव तो 20 पान कर लेता था जगत का कल्याण के लिए, लेकिन महादेव का नाम में आपने जो ये 20 कमाया, ये पॉइजन तो आप पी नहीं सकेगा, इसका कारण ही आप मारा जाएगा राजनीति से। मैं आज ही भविष्यवाणी करके जाना चाहता हूँ। भाई और बहन और लोगों का हिम्मत देखो, आपको कुछ ऐप बनाना ही था, कोई दूसरा नाम में बना लेता था, अब धुन धुन के महादेव का ही नाम मिला, ये दुर्नीति करने के लिए, धोखाबाजी करने के लिए, करप्शन करने के लिए। भूपेश बघेल जी बोल रहा है कि मैं सीएम बनूंगा, तो आप सीएम बने ना बने, लेकिन मेरा तो विश्वास है ये 508 करोड़ रुपया लूटने का कारण आप जरूर सरकार का गेस्ट बनने वाला है, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। भाई और बहनों, भूपेश बघेल जी बोलता है मैं गारंटी देता हूं, अभी आपका गारंटी का क्या वैल्यू है? अभी आपका आता पता ही चुनाव का बात पता नहीं चलेगा, आप कहां का है, आप कहां रह गया। बोले नहीं नहीं, ईडी सरकार का स्पोक्स पर्सन है। भैया आपका जो अधिकारियों को 700 करोड़ रुपया लूटने के लिए गिरफ्तार हुआ था, ये वो अधिकारियों को तो अदालत में पेश किया गया था, तो अदालत आज 7 महीना 6 महीना क्यों जमानत नहीं दे रहा है? अगर ईडी सीबीआई का चार्जशीट में कुछ भी नहीं है, तो अदालत क्यों जमानत आपको नहीं दे रहा है? तो इसीलिए भूपेश बघेल जी, आप समझ लेना चाहिए कि आपका समय अभी पार हो चुका है। छत्तीसगढ़ का जनता आपको विदा भी देगा और सरकार आपको हमारा गेस्ट भी बनाएगा, ये मैं आपको आज बोलना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो महादेव का नाम में वो लोग ने किया है, हिंदू देव देवियों का ऊपर उनका अपमान नया बात नहीं है। आप समझ सकता है हमारा देश में बीजेपी का तो प्रधानमंत्री अभी बना, देश में दो ही प्रधानमंत्री बना बीजेपी से, एक वाजपेयी जी और एक नरेंद्र मोदी जी। देश में तमाम प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया था। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जब शासन में था और समय राम मंदिर आपने क्यों नहीं बनाया? आप लोग खुद आज बोलिए, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होता था, क्या देश को रामलला का मंदिर मिलता था? आज आप लोग, ये माँ कौशल्या का भूमि है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसी लोग, आपका बाबर से क्या प्यार है, आपका बाबर से क्या मोहब्बत है, आप क्यों बाबर को इतना दिन पाला? आज नरेंद्र मोदी जी आया,
सरकार ने बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया। आज भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी उद्घोषण करेंगे। एक और नरेंद्र मोदी जी भव्य राम मंदिर बना रहा है और एक और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी महादेव का नाम में माल लूट रहा है, माल लूट रहा है। आप देखिए, एक जगह में अयोध्या में राम मंदिर और छत्तीसगढ़ के में महादेव ऐप, आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ को देश से क्या संदेश जा रहा है। भाई और बहनों, एक बार जीवन में कोई सनातनी हिंदू माँ गंगा का नाम में कसम खा लेते हैं, वो कसम उनको पूरा करना उनका दायित्व बनता है। ये भूपेश बघेल जी, आज आप देखिए चुनाव का समय गंगा माई का शपथ लेता है कि मैं दारू को बंद करने जा रहा हूँ। दारू का बंद करने तो दूर, अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने दारू का होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दिया था, होम डिलीवरी भी होने लग गया था। आप सोच सकता है जो व्यक्ति गंगा माई का नाम में कसम खा के गलत कर सकता है, जो महादेव ऐप का नाम में 508 करोड़ रुपया लूट सकता है, जो गोथान का नाम में पैसा लूट सकता है, क्या वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ को न्याय दे सकता है क्या?